साहब के साथ साथ शफीक खान साहब, इलियास खान साहब, हमारे और बहुत सारे मौजूदीन इलाका यहाँ बैठे हैं। एक शाम एडवोकेट शाहिद आजमी साहब के नाम से मंसूब इस शाम में इजहार ख्याल के लिए दो लफ्ज कहना चाहते हैं। एक ऐसा उर्दू दोस्त, एक ऐसा दबिस्तान उर्दू से वाबस्ता शख्सियत जो इल्म तहजीब व तमद्दुन का भरपूर सरमाया है, हमारा असासा भी है। रमजान अली चौधरी जैसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह अजीज, ये अशद अली मुन्ना, शकील अमीन साहब, ये लोग उर्दू की महफिलें सजाते रहेंगे और इसे तकवीत आलम निजामी जैसी हस्ती को मिलती रहेगी। मैं रमजान अली चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि इजहार ख्याल के लिए दौलत मरहूम एडवोकेट शाहिद आजमी साहब की शान आलिया में, जहाँ कॉर्पोरेटर सईदा खान साहबा मौजूद हो और बहुत सारे मौजूदीन, बिलखसूस तमाम वो हजरात सोशल जो शाहिद आजमी साहब से मोहब्बत करते थे आज यहाँ बैठे हुए हैं। रमजान अली चौधरी साहब से गुजारिश है कि वही आबो ताबी के साथ, मोहब्बत के साथ, के वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत उर्दू का सितारा रमजान अली साहब माइक पर। डाइस पर मौजूद शोरा इकराम, जनाबे आलम निजामी साहब, मुन्ना भाई, मुन्ना आजमी साहब, काजिम साहब, राजेश जी, सभा मुबारकपुरी साहब, हम सबकी बड़ी बहन डॉक्टर सईदा खान साहिबा, और यहाँ मौजूद एक एक शख्स जो आज एडवोकेट शहीद शाहिद साहब की याद में हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, सभी को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आज की ये शाम एडवोकेट शाहिद आजमी साहब की याद में मनाया जा रहा है। यकीनन हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, और ऐसी शख्सियत को, इस तरह के जो कारनामे को अंजाम दिया, यकीनन उन्हें पता था कि जिस तरह से उन्हें धमकी मिल रही थी, लोग उनके पीछे लगे हुए थे परेशान करने के लिए, फिर चाहे वो सरकारी महकमा हो, कोर्ट के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, ये सारे लोग जब उन्हें परेशान कर रहे थे, वो जानते थे कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जिसमें मेरी जान जा सकती है। उन्हें ऐसा नहीं था कि नहीं पता होगा, उसके बावजूद उन्होंने इंसाफ का रास्ता चुना, उन सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया, उन सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जिन गरीब लोगों को सरकारी महकमे में बेगुनाह होते हुए भी उन्हें दबोचा जाता था, उन्हें सताया जाता था। ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई करता था कोर्ट के माध्यम से, तो वो कोई और नहीं एडवोकेट शाहिद आजमी साहब थे। बहुत अच्छे सर, जिंदाबाद रमजान अली चौधरी साहब, जिंदाबाद। दोस्तों, शाहिद आजमी की शख्सियत वो शख्सियत है जिसने पूरे 7 साल जेल काटे। वाह। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उस जेल की कस्टडी में होने के बावजूद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, साथ ही साथ अपनी वकालत को भी कंप्लीट किया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, ये हमारे लिए हौसले की, अरे वाह क्या, ये हमें हौसला देता, वाह 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 वाह, हमारे लिए तरबियत की बात,
हम लोगों को सीखना चाहिए। आज जहां हमारे अपने लोग पढ़ाई शिक्षा से एजुकेशन से दूर भागते हुए दिखाई देते हैं, वहां शाहिद आजमी ने एक नया मकाम तय किया, एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया जहां पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कोई इंसान अगर कैद में भी हो तो भी वो पढ़ाई के माध्यम से अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। शाहिद आजमी ने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया दोस्तों, यकीनन उन्हें जहां धमकियां आ रही थी तो लालच भी आई होगी। लोग शाम दाम दंड भेद सभी प्रकार का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं चल पाता है तो जान लेने का काम करते हैं। इन सारे मामलात को शाहिद आदमी ने पूरे 7 साल जेल काटने के बाद लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। आपको पता होना चाहिए कि शाहिद आदमी की वो शख्सियत है जिनको 7 साल की जो सजा मिली थी उन्हें भी बेगुनाह थे, उनको टेक्निकली फंसाया गया, उन्हें जेल में डालने का काम किया गया टाडा के आरोप में। लेकिन दोस्तों यकीनन हम लोग शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, तालीम और तरबियत के माध्यम से उस मकाम को हासिल कर सकते हैं जिससे हमारी इज्जत और वकार कायम रह सके। शाहिद आजमी आज हम सबके बीच नहीं है, आज एक शाम उनके नाम पे सजाई गई है। यकीनन ये बहुत खूबसूरत काम हमारे मुन्ना भाई ने किया है, वो काबिले तारीफ है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बहुत सारे शायर हजरात यहां मौजूद हैं, हम सभी उनको सुनना चाहते हैं, उनकी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, मैं भी उसी के लिए हाजिर आया हूं। दोस्तों की एक उन्होंने दरख्वास्त की, उसके मुताबिक मुझे हाजिर आना पड़ा। आप लोगों ने मुझे बड़ी अपना सब्र के साथ मुझे सुना और बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि आप लोग अब अपने शायरों को अपने सामने देखना चाहते हैं। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम गुलाए मोहब्बत पेश कर रहे थे मरहूम शाहिद आजमी साहब को, कादिम